हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना हालचाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सकते हो या उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो। मैं बात करने वाला हूं गूगल टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में, जिसे आप सभी को अपनी जीमेल आईडी पर अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, ये होता क्या है, इस चीज को जब आप अप्लाई करते हो तो आपके जीमेल अकाउंट के दिए गए फोन नंबर पर 4 डिजिट का कोड आता है और फिर उसके बाद ही आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाओगे। ऐसे में अगर आपका जीमेल आईडी पासवर्ड कोई जान भी जाता है तो वो अपने फोन या कंप्यूटर में उसे लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक वो 4 डिजिट का कोड वो वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों, कैसे करते हैं ये प्रोसेस बताऊंगा आज मैं अपने फोन स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरा नाम है मोहम्मद अतीक, आप देख रहे हो अतीक पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने फोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है myaccounts.google.com। जैसे यहाँ पर आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपके सामने गूगल की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको उस आईडी से लॉगिन करना है जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको 4th नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिक्योरिटी का, आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा 2-step verification का, जो कि यहाँ पर ऑफ है। आपको सिंपली इसको ऑन करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। फिर यहाँ पर आपको राइट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी को कंफर्म कराना है। तो यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगी, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट पासवर्ड को डाल देता हूँ। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका जो जीमेल आईडी है वो आपके किस फ़ोन में लॉगिन है। तो यहाँ पर Xiaomi का Redmi 5 है वो दिखा रहा है, मेरा यही फ़ोन है, इसमें मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा डोंट वॉन्ट टू यूज़ गूगल प्रॉम्प्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चूज़ अनदर ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका वो फ़ोन नंबर आ जाएगा जिससे आपकी जीमेल आईडी बनी हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाउ टू यू वांट टू गेट कोड्स, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज से चाहते हो या फिर फ़ोन कॉल से, तो मैं टेक्स्ट मैसेज से चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा एक ऑप्शन नेक्स्ट का, आपको सिंपली इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, पर आपका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपके उस नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, इस OTP को आपको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिखा होगा राइट साइड में टर्न ऑन, तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, ये 2-step verification की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों, आपका ये जो गूगल अकाउंट है बिल्कुल पूरी तरह से यूट्यूब अकाउंट, गूगल अकाउंट सुरक्षित है और आपका यूट्यूब अकाउंट कोई भी आईडी पासवर्ड जाने बिना भी नहीं खोल सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे 2-step verification के बारे में और कैसे इसको यूज करते हैं ये भी ठीक तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, फटाफट जाओ और अपने YouTube चैनल पर इसे अप्लाई करो और अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए #अतीक पॉइंट।